एवरीवन दोस्तों, तो इस वीडियो में करेंगे सामान्य विज्ञान के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे हुआ, आरपीएफ हुआ, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको भी पता है व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज आप शेयर जरूर कर दीजिए, मैं तैयारी तो आपकी पूरी करवाऊंगा। नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाइए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, शैवालों की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है। तो आप देखते होंगे दोस्तों जो शैवाल होते हैं ये हरे हरे से, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किस पदार्थ की, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो ये कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, आप ये भी याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने पूरा वीडियो एक बना रखा है जिसमें कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी बताइए, तो दोस्तों यहाँ आपको आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। यानी जो गलगंड रोग होता है दोस्तों आप देखेंगे गला इसमें फूल जाता है, तो ये कुछ समुद्री जो खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है वो समुद्री उस खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो ये पेनिसिलिन होता है उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं। तो जो लाइकेन होते हैं वो किसके, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुनेन किससे, सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो जो फूलगोभी होती है उसका जो पुष्पक्रम होता है, जो आप खाते हैं यानी खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पक्रम होता है। दोस्तों ये जो सब्जियों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी सब्जियों के कर लीजिए कि इसका कौन सा भाग होता है, इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो ये आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सामान्यतः जो अंकुरण होता है उसके लिए आप जानते हैं प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टमाटर सॉस में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टोमेटो सॉस होता है उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, यह आ जाए या फिर यह आ जाए दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ही अपन जूलॉजी और प्लांट्स यानी जूलॉजी और बॉटनी का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में आप दोस्तों जानते हैं जू आपको दिख रहा है, जू यानी क्या, एनिमल्स का अध्ययन होता है, और बॉटनी में काय का, प्लांट्स का अध्ययन होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब देखिए आप इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए दोस्तों देखिए बायोलॉजी और जूलॉजी, जूलॉजी के लास्ट में भी क्या आएगा, लॉजी आएगा, यानी जिसके लास्ट में दोस्तों लॉजी आए उसका, उसके पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को, यानी जूलॉजी के भी पिता किसको कहा जाएगा, अरस्तु का, और बायोलॉजी के पिता को भी अरस्तु कहा जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो बॉटनी है, बॉटनी के पिता कौन कहलाएंगे, थियोफ्रेस्टस कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। आप दोस्तों जो मैंने अभी वीडियो बताया था आई बटन पे, आपको आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। जो पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप डिप्रेशन में, आपको नहीं पता कि किस तरह पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों यहाँ आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा, आपको उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह पूरा टाइम टेबल बनाना है, कैसे फॉर्म भर के आप अच्छे से उसको टाइम टेबल के अनुसार कर सके, तो आपको समय हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो कहाँ स्थित हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भूरी क्रांति होती है वो किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरकों के उत्पादन से। जितने भी दोस्तों ये क्रांति है ये पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की किससे संबंधित, तो इनको भी आप अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अब देखिए, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वो खाने योग्य भाग होता है। तो आप जानते हैं नारियल को पूरा ऊपर छिलका हटाना पड़ता है और भ्रूणपोष खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया क्या है? तो क्या होता है उसमें? एक नर युग्मक का अंडाणु में अंडाणु से संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये रेफलेसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। अब देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? वृक्क में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सफेद रक्त कणिका यानी जो WBC होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और WBC को ही पुलिस सेल भी कहते हैं, यानी ये पूछ ले तो आपको क्या लगाना है? WBC लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ? खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनके दो मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और दूसरा हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी जो कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यानी जो सोने के आभूषण बनाते हैं उसमें कौन सी धातु? तांबा मिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ऑस्मियम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो रात्रि में कौन सा पेड़ पेड़ क्या छोड़ते हैं? रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और दोस्तों, आपको अपने परिवार वाले भी आपके कहते होंगे कि रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, यदि आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे RPF की, तो किस तरह तैयारी करें आप स्मार्ट वर्क करके, इसके लिए आपको यहाँ आई बटन पे वीडियो दिख जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है कहाँ? बरेली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो जो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो कौन सी? रानीखेत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। बहुत से मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों, RPF की पूरी सीरीज के लिए आप यदि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन किस में? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो किसमें? रेंडियर के दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम के किसे? बकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? यानी कोई दुधारू गाय है उसकी आप मुख्य पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, अयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गाय कौन सी है? दुधारू गाय है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप कन्फ्यूजन है कि कोई भी एग्जाम्स के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, दोस्तों आप जानते हैं ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनकी सारा जो सिलेबस रहता है वो सिमिलर रहता है। तो यहाँ आपको आई बटन पर वीडियोज मिल जाएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मैं कौन से एग्जाम से रिलेटेड पढ़ूँ या कैसे जानकारी पढ़ूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो किसमें? यूपी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु जो पश्मीना होता है वो क्या होती है? तो आपको दिखेगी दोस्तों, ये एक सफेद सी बकरी होती है जिसमें बहुत सा ऊन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो किसमें? मादा हाथी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो किसमें? हाइड्रा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो किसको? ऑरिलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो किसके? सुअर के अधपके मांस को खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंचुए में कितनी आंखें होती है? तो कैंचुए में ना तो दोस्तों कान होते हैं और ना ही आंखें होते हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली आंखें रात में क्यों क्यों चमकती है? टेपिटम लुसिडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो जो ये समुद्री घोड़ा है ये किसका? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? वाहक मतलब दोस्तों होता है ले जाने वाला, तो ले जाने वाला कौन हो जाएगा? वाहक मादा एनाफिलेज मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली यानी जो सबसे विषैली मछली है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? पाषाण मछली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वही शुतुरमुर्ग का अंडा भी होती है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगा कि सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी का कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए, निम्न में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? किंग कोबरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका हो जाएगा? ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई प्राणी है? तो कौन सा हो जाएगा? ये नीली वेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये तो आप जानते ही हैं, हमिंग बर्ड हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है वो कौन सा? कैसिका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल दिन में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोशिका होती है उसके भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की आपको संरचना बता दूं, जैसे तो आपको जो सामान्य विज्ञान का वीडियो बनाया उसमें पता चल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ी आपको जानकारी के लिए दे देता हूँ। ऐसी संरचना होती है, और ऐसी संरचना के बीच में दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं क्रिस्टी, इनको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो बीच में जगह रहती है, सॉरी, इसे इसे कहते हैं क्रिस्टी, और जो ये पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं, या फिर ऑक्सीसोम, आपने सुना होगा, तो ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल यानी पावर हाउस ऑफ सेल आ जाए तो फिर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और जो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके रूप में? ATP के रूप में रहती है, याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में भी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो किस प्रकार के द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या? डेमोग्राफी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो जो तलवा होता है यानी तलवे पर मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पाइरोमीटर तापमापी द्वारा क्या नापा जाता है? सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो 100 डिग्री से सेंटीग्रेड हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो जो दोस्तों आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सुना वो क्या होता है? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन कौन सी हो जाएगी? ये अश्रु गैस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें? विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो जो चेचक का टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का क्या कारण? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है? तो ये क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन लैम्डा हो जाएगा, या फिर आ जाए लैम्डा बराबर न्यू अपॉन एन हो जाएगा। ये आप याद रखना, यानी तरंग दैर्ध्य का आप देख सकते हैं बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो जो न्यूनतम संभव ताप होता है उस पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जो जल होता है उसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो जो निर्वात में होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग? अवरक्त किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो किसके? ताप संरक्षण के पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को क्या? ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो जो ध्वनि तरंगे होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और यदि प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या आप सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। यानी चिल्लाते समय आपने देखा होगा कोई भी चिल्लाता है तो वो अपने दोनों मुंह से बिल्कुल वो रख देता है हाथों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो जो दलदली भूमि होती है उससे कौन सी गैस? मीथेन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में दोस्तों लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपन को थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंगूर में कौन सा वो अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर कैंसर संबंधी यदि कोई रोग वगैरह हो जाए तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने टोटल 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।